वेलकम टू सोना क्लासेस। सोना क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया लेसन शुरू करने जा रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया लेसन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूला दिया गया है। आप कृपया इसको अपने नोटबुक में उतार लें। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ए प्लस बी पर होल स्क्वायर, अगर ऐसा कहीं आपको मिले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए माइनस बी पर होल स्क्वायर का क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से कहीं आपको दिया हुआ हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सूत्र होता है, याद रखिएगा, ये सूत्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, बहुत VVI इसको कह सकते हैं आप। आपको बहुत बार यूज करने को मिलेगा, जब आप सवाल बनाइएगा ना, इसका यूज आपको होता रहेगा बहुत छोटे छोटे अंतराल पे। इसलिए कृपया आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें और अच्छी तरह से इसको रट लें। उसी तरह से देख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से ए प्लस बी पर पावर क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। उसी तरह से आप देख सकते हैं टोटल को आप नोट कर लें और इसको अच्छी तरह से रट लें। क्या करना है, रटना है। तो मैं चलिए बताता हूँ कि ये फॉर्मूला जो आखिर आता है कहाँ से आता है, कैसे आता है। ये तो कहीं से आता होगा, ऐसा तो नहीं ना जी कोई ऐसे बना दिया। चलिए हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं एक करके, ठीक है, ओके। तो चलिए सबसे पहले आप अपने नोटबुक को देखिए। नोटबुक में मैंने पहले आपको क्या लिखाया था, ए प्लस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा आपके पास क्या था, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कुछ नहीं है, ऐसे आ गया था, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करते हैं। इसको मैंने पहले क्यों लिया, उसको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसमें माइनस है, दोनों तो एक ही तरह देखने में लग रहा है। अगर ये माइनस वाला थोड़ा सा जो है ना सोल्यूशन करने में टफ होता है, इसलिए मैं थोड़ा टफ वाले को ले लिया पहले। मैं पहले उसको हल करके देखता हूँ कैसे होता है हल। सबसे पहले देखिए एल एच एस साइड, एल एच एस समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये जो ए माइनस बी पर होल स्क्वायर है इसको क्या बोलते हैं, एल एच एस साइड। एल एच एस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि ये बराबर के बाई साइड है, क्या है, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड। और ये आपका क्या है, बराबर के राइट साइड है, समझ रहे हैं ना, ये बराबर के राइट साइड है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, राइट साइड। यानी कि इसको बोलेंगे आर एच एस और इनको बोलेंगे एल एच एस। हम कहाँ से शुरू करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड में आपका क्या है, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, पहले ए माइनस बी पर होल स्क्वायर लिखते हैं। लिख दिया मैंने। आपको पता है कि किसी के ऊपर अगर दी पावर स्क्वायर है, इसका मतलब वो क्या है, गुने में दो बार आएगा, दो रहेगा तो गुने में कितना बार आएगा, दो बार। तो इसको मैंने गुने में कितना लिखा, दो बार लिखा। आपको याद रखना है ए माइनस बी के बीच में क्या छिपा रहता है, गुना। आपको तो पहले बता रखे हैं, चलिए कोई बात नहीं। अब ठीक है, इसको देखिए गुना कैसे करते हैं। मैं आपको बता रखा था, क्या बताया था आपको, सबसे पहले ए को पूरे से गुना करेंगे, फिर बी को इस पूरे से गुना करेंगे। पहले ए को मैंने क्या किया, ए माइनस बी से गुना किया, फिर माइनस बी से, यह माइनस बी है ना, सिर्फ बी नहीं बोलना है, माइनस बी बोलना है। इस माइनस बी को फिर ए माइनस बी से गुना करना है। चलिए अब देखते हैं गुना करते हैं। आपको तो ब्रैकेट वाला गुना पता ही है, ए को ए से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। फिर ए को माइनस बी से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस ए बी, पता है ना, ए गुना बी माइनस ए बी हो जाएगा। फिर माइनस बी से ए को करेंगे क्या हो जाएगा, पहले आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है, ए, तो इसलिए पहले मैंने ए को लिखा, ए लिखा फिर बी को लिखा, यानी कि माइनस ए बी हो गया। माइनस बी को ए से गुना करने के बाद फिर माइनस बी को माइनस बी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर बराबर कौन कौन है, जुटने में क्या देखते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए, जात। यहाँ ए बी क्या है, बराबर है। आपको बताया था ना, आम आम होगा तभी हम उसको दो आम बोलेंगे, आम और सेब होगा तो उसको दो आम सेब नहीं बोल सकते हैं, याद कीजिए, मैं पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर है, ए बी दोनों है, जिसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पर कितना ए बी हो जाएगा, टू ए बी। क्यों, माइनस माइनस प्लस, आपको पता है ये माइनस प्लस तो मैं बता रखा हूँ अच्छी तरह से, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो माइनस माइनस प्लस इसको क्या करना, जोड़ना पड़ेगा, तो इसको ऐड कर दिया कितना आ गया, माइनस टू ए बी आ गया। अब चिन्ह किसका होगा, दोनों में बड़ा देखते हैं, दोनों में बड़ा कौन है, दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हो ना तो कन्फ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जो बड़ा हो उसी के आगे काम उतार देते, इसमें बड़ा कौन है, दोनों बराबर है तो किसी का उतार देते हैं। ए बी के आगे क्या माइनस है, तो यही माइनस उतार दिए, तो माइनस क्या उतार दिए, तो आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ना हमको सिद्ध करना था कि ए माइनस बी पर होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। चलिए हम दूसरा फॉर्मूला देखते हैं।
आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ए माइनस बी पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हमें सिद्ध करना है। देखिए कैसे सिद्ध करते हैं, यहाँ पर हम किसको लेंगे, आर एच एस को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं, आर एच एस को। आर एच एस को कैसे करेंगे, आपको पता ही है आर एच एस में क्या है, माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसको गुना करेंगे। आपको गुना के लिए बताया था ना, पहले ए से पहले ए प्लस बी को करेंगे, फिर बी को, फिर माइनस बी को, फिर ए प्लस बी से करेंगे। वही हम किया है, वही मैंने यहाँ पर किया। ए को किससे किए, ए प्लस बी से किए, कितना हो गया, ए इंटू ए प्लस बी। फिर माइनस बी को किससे किए, ए प्लस बी से, माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब गुना कीजिए, ए गुना ए क्या होता है, ए स्क्वायर, ए गुना बी क्या होता है, ए बी। फिर अब देखिए बी गुना ए क्या होता है, माइनस ए बी, है ना, यहाँ बी क्या हो गया माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, क्या आगे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस ए बी हो गया। फिर देखिए माइनस बी को बी से करेंगे, क्या हो जाएगा, बी गुना बी बी स्क्वायर, बी के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ गया, ये प्लस नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पर, माइनस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है, ए बी और ए बी क्या है, बराबर। दोनों घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, घटेगा जीरो हो जाएगा। जीरो करने का मतलब क्या होगा, खत्म, कट्टम कुट्टी, यानी कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा इस समीकरण में, यानी इसका मतलब खत्म हो गया। यानी कि किसी को बराबर कोई दो हो ना, उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। जब जीरो आ गया तो उसका वैल्यू क्या, उसको जोड़ो या जोड़िए या घटाइए, वही चीज़ रह जाता है। जीरो एक ऐसा संख्या है, उसको किसी में घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, वो वही रहेगा। इसका मतलब इसका वैल्यू खत्म हो, इसलिए उसको क्या कर दिया, कट कर दिए। ठीक है, इसको और गंदा कर देते हैं इसको। ठीक है, तो आपका क्या बचा, यहाँ ए स्क्वायर बचा और माइनस बी स्क्वायर बचा, क्या बचा, माइनस बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया, यानी कि ए माइनस बी गुना ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अब आगे का देखते हैं, आगे क्या है, ए माइनस बी पर पावर क्यूब, क्यूब मतलब तीन, बताया था मैं पिछला पिछली क्लास में आपको बता रखा हूँ, क्यूब हो तो उसको क्या बोलेंगे, तीन बोलते हैं, यानी तीन हो तो उसको क्यूब बोलते हैं, या क्यूब बोलो या तीन बोलो, बात बराबर है पावर में हो तो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए टू द पावर तीन माइनस बी टू द पावर तीन माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी, इसको क्या है, सिद्ध करना है, किससे, माइनस ए माइनस बी टू द पावर क्यूब से। तो चलिए हम क्या करते हैं, एल एच एस से सिद्ध करते हैं, किससे सिद्ध करते हैं, एल एच एस। एल एच एस में आपका क्या है, ए माइनस बी पर पावर थ्री, आपको पता है ए माइनस बी पर पावर थ्री का मतलब क्या है, यहाँ पर ए माइनस बी कितना बार है, गुना में तीन बार है, एक बार तो वही मैंने इसको तोड़ के लिखा, पहले क्या है ए माइनस बी, फिर क्या है ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, दोनों एक ही चीज़ हुआ, क्योंकि यहाँ एक बार है, यहाँ पर दो बार है, कितना बार हो गया, तो तीन बार हो गया, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी पर होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता चल रहा है ना, यहाँ एक बार है, यहाँ पर कितना है, दो बार है, तो कितना हो गया आपका, तीन बार हो गया। चलिए अब देखते हैं, आपको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी जस्ट आपको ऊपर सिद्ध करके भी दिखाया मैंने, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी तरह आपको यूज आएगा, कहीं कहीं आप जब सवाल बनाइएगा ना, ऐसे यूज आएगा इस फॉर्मूले का, इसी तरह से पुटअप करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी तो है ही। अब देखिए इसको गुना करते हैं, मैं आपको बताया था अगर दी ऐसा गुना हो तो ए को पहले इस पूरे से करेंगे गुना, ठीक है, फिर बी से गुना करेंगे इस पूरे में, तो वही मैं करने जा रहा हूँ, पहले ए को इससे किया तो क्या हो गया, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी रहा, फिर माइनस बी से किया तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब चलिए आपको पता है अगर ये ब्रैकेट में हो, कोई बाहर में उसे गुना करना हो, इसके सभी एलिमेंट मतलब सभी सदस्य जितने हैं ना ब्रैकेट के अंदर, सभी सदस्य के साथ हम क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो वही हम करने जा रहे हैं। ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना होगा, ए क्यू, फिर ए को हम किससे करेंगे, माइनस टू ए बी से, तो माइनस टू ए स्क्वायर बी, फिर ए को करेंगे बी स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। उसी तरह से फिर बी को करेंगे तो बी ए स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन बी ए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, पहले अल्फ़ाबेट में कौन आता है, ए आता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए स्क्वायर बी। फिर उसी तरह से माइनस बी को करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू ए बी स्क्वायर, माइनस बी गुना माइनस टू ए बी, आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, टू ए बी स्क्वायर हो गया। फिर बी से करेंगे बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी क्यू हो जाएगा। अब चलिए इसमें देखते हैं अपना अपना जात कौन है, पहले जात ढूंढते हैं, यानी आम है तो आम ही के साथ जोड़ेंगे, नींबू है तो नींबू के साथ जोड़ेंगे। जैसे यहाँ क्या है, ए स्क्वायर बी है ना, यहाँ पर अगर आपके पास ए स्क्वायर बी है और यहाँ पर भी क्या है, ए स्क्वायर बी, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस यानी जुटेगा, क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, समझ गए, ए क्यू था तो ए क्यू को ऐसे ही रख दिए थे, इसका कोई कास्ट नहीं था, कोई जात भाई नहीं था। अब देखिए अब क्या आपके ए बी स्क्वायर है, फिर क्या आपके आगे ए बी स्क्वायर इधर है और टू ए बी स्क्वायर इधर है, फिर दोनों को क्या करें, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, प्लस प्लस जुटेगा तो क्या हो जाएगा, थ्री ए बी स्क्वायर हुआ ना। फिर बी क्यू क्या है, लास्ट में आपका बचा हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, माइनस बी को बी स्क्वायर से गुना करेंगे क्या हो जाएगा,
माइनस बी क्यू, तो यहाँ भी क्या दे दिए, माइनस बी क्यू था यहाँ पर, तो वही मैंने माइनस बी क्यू दिया। अब बता सकते आप सोचे होंगे ये लास्ट में था तो ये पहले के दे क्यों दे दिया। आप कहीं भी लिख सकते हैं जहाँ कि देखने में आपको अच्छा लगे वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन उसके चिन्ह को भी साथ साथ मूव करना है। अगर यहाँ माइनस बी क्यू था तो यहाँ भी क्या होगा, माइनस बी क्यू ही होगा, प्लस बी क्यू नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। हमको ये देखने में अच्छा लग रहा था भाई, चलो एक क्यूब वाले को दोनों को एक साथ रख ले, यानी तीन वाले को जिसके ऊपर पावर तीन है एक साथ रख लेते हैं, इसको एक साथ रख लेते हैं, तो रख लिया मैं, कोई बात नहीं। आप देख सकते हैं आपके सामने क्या हो गया, प्रूव हो गया जो मैं निकालना चाह रहा था, ए माइनस बी पर पावर होल क्यूब बराबर, वो क्या आ गया आपके सामने दिख रहा है, यानी कि सिद्ध हो गया कि ये फॉर्मूला इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर दी कहीं आपको ऐसा मिला तो हम इसको इस तरह से विस्तार रूप में लिख सकते हैं। चलिए हम ये वाला फॉर्मूला आप सिद्ध करने जा रहे हैं, कौन सा, ए क्यू माइनस वी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये थोड़ा टेढ़ा है, क्या है टेढ़ा, जो टेढ़ा हो ना उसको टेढ़े तरीका से ही प्रूव किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैं आगे प्रूव करने जा रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है, मैं इसको प्रूव करने के लिए, यानी प्रूव्ड करने के लिए, दिखाने के लिए कैसे होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ए माइनस बी टू द पावर क्यूब का क्या बताया था, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, जस्ट इसके पीछे बताया था, याद तो होगा ही थोड़ा सा। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ना आप इसको साथ साथ नोट करते चलिए, तभी आपको मज़ा आएगा, या फिर पहले आप एक बार देख लीजिए उसके बाद में नोट कर लीजिएगा, सबसे अच्छा होगा कि एक बार इसको आप नोट कर लीजिए उसके बाद आप उसको देखिए, तो बड़ा मज़ा आएगा, या फिर आप पहले देख लीजिए समझ लीजिए उसके बाद नोट कर लीजिएगा यूज करके, आपकी इच्छा, आपको जैसा सहूलियत बुझाए, ठीक है। ठीक है चलिए देखते हैं, इसको मैं क्या किया, उल्टा लिख सकते हैं, आप याद रखिएगा, अगर दी कहीं पर आपको इस तरह से दिया हो एक्स बराबर वाई हो, जरूरी नहीं कि एक्स बराबर वाई होगा, हमें लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स भी लिख सकते हैं इसको, समझ रहे हैं ना, बराबर में चाहे एक्स बराबर वाई लिखो या वाई बराबर एक्स लिखो, बात बराबर होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर क्या था, ए माइनस बी टू द पावर क्यूब बराबर क्या था, एट क्यूब इतना था, इतना था, तो पहले मैंने क्या किया, राइट साइड वाले को लेफ्ट साइड लिखा, क्यों लिखा ये भी बताता हूँ, और फिर लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड लिखा, इसलिए लिखा कि आपको पता है कि हमको क्या प्रूव करना है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर कुछ निकालना है, यही निकालना है ना, ए क्यू बराबर ए क्यू माइनस बी क्यू, हमको किधर राइट साइड आ रहा था तो उसको इसलिए किधर में लाया, लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट साइड रख के ना आप निकाल सकते हैं किसी का वैल्यू, दिखा सकते हैं कि भाई चलो भाई इसका वैल्यू इतना आया, समझ रहे बात को ना, इसलिए मैं इसको क्या किया, इसको पहले एल अपने साइड कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, मेरे को क्या क्या रखना है यहाँ पर, ए क्यू माइनस बी क्यू रखना है, बाकी को क्या करेंगे उस पर फेंक देंगे, क्यों फेंकना है, क्योंकि आपको पता है कि हमको यही निकालना है, इसलिए। अब बताइए अगर दी किसी को हम इस पार से उस पार फेंकेंगे तो क्या होगा, अगर दी किसी को हमको इस पार से उस पार लेना ले जाना है तो याद रखिएगा इसमें जो माइनस में हो वो किस में चला जाएगा, प्लस में, और जो प्लस में हो वो किस में बन जाएगा, माइनस में, जो गुना में हो वो कहाँ हो जाएगा, भगा में, जो भगा में हो वो कहाँ चला जाएगा, गुना में, ये बात याद रखिएगा, माइनस प्लस बन जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, गुना भाग बन जाएगा, भाग गुना बन जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या था, ये माइनस थ्री ए स्क्वायर बी था, इसको उस पार करेंगे क्या होगा, प्लस आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर बी, यहाँ क्या था प्लस थ्री ए बी स्क्वायर था, इस अगर उस पार जाएगा तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस थ्री ए बी स्क्वायर। अब देखिए ए माइनस बी टू दी पावर क्यूब था, इसको उतार दिए, अब देखिए इसमें देखते हैं कॉमन क्या आता है, कॉमन समझ रहे हैं, दोनों में क्या क्या मिलते हैं उसको निकाल सकते हैं, क्यों इसलिए निकाल सकते हैं, अगर फिर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा जो पहले था, ये चीज़ मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता रखा हूँ, जस्ट पिछली क्लास में बता रखा हूँ, ये बेसिक है, बेसिक जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर यदि आपने कभी मैथ को सही से नहीं पढ़ा है तो बहुत ज़रूरी है बेसिक आपके लिए, इसलिए मैं साथ साथ बेसिक पे ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ऐसे आप जो कि सब जानता होगा उसको बोर फील होता होगा, लेकिन जो नहीं जानता उसके लिए रामबाण है, रामबाण समझते हो ना, राम का तीर। चलिए कोई नहीं, अब क्या है यहाँ पर तीन थ्री अभी क्या कॉमन ले लिए, कॉमन मतलब वही ले सकते हैं जो कि दोनों में मिले, थ्री दोनों में था तो थ्री ले लिए, ए स्क्वायर बी था इसमें ए बी था, क्या यही मिलेगा ना, ए स्क्वायर तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहाँ दो ए नहीं है, इसलिए एक ए लिए एक बी लिए, क्या बचा यहाँ पर ए माइनस बी, आपको पता होना चाहिए बीच में क्या रहता है छुपा हुआ, गुना रहता है इसके बीच में, ठीक है। अब देखिए
दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, ए माइनस बी इसमें भी है, ए माइनस बी इसमें भी है, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये गुना में है, यहाँ भी ए माइनस बी है, यहाँ भी ए माइनस बी है, जिसको बाहर ले लिए, बाहर लेने का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी गुना छिपा हुआ रहता है, अगर जिसको गुना करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए माइनस बी है, बाहर लिए, तो यहाँ इसमें कितना ए माइनस बी बचा, दो बचा मात्र, क्योंकि एक तो निकाल लिए, अब दो ही ना गुना में बचा, इसलिए पावर क्या है यहाँ पर, दो। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या एक ही ए माइनस बी था टोटल, तो यहाँ क्या पूरा निकल गया, तो क्या बचा, सिर्फ थ्री अभी बचा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है, ए माइनस बी को तो वैसे ही निकाल रख देंगे, आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट पहला जो प्रूव किए थे सवाल वही सब है, याद है ना, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या है, प्लस थ्री ए बी। तो चलिए देखते हैं इसमें ये दोनों क्या अपना कास्ट का है, यानी आम है तो आम के साथ हम उसको बता सकते हैं कि इतना आम है उतना आम है, यहाँ तीन आम है, यहाँ पर दो आम निकल रहा है, तो क्या बचेगा, एक आम बचेगा, यानी कि एक ए प्लस बी बचा, कहने करते सिंपल भाषा में, देहाती लैंग्वेज में, लेकिन ऐसे आप क्या कीजिएगा, माइनस प्लस माइनस, तीन ए बी में दो ए बी घटाएंगे तो एक ए बी होगा, बड़ा चिन्ह है तीन तो प्लस होगा, तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका, फॉर्मूला सिद्ध हो गया, जो हम अभी आपको बताए हैं, ऊपर जो लिखाए थे ना वही क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, चलिए कुछ और छोटी छोटी बातें देखते हैं कि जो कि जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आगे जब आप बहुत बड़ा बड़ा सवाल बनाओगे, हार्ड हार्ड सवाल बनाओगे, इस सब का जरूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए इसको जान लें कि ये क्या चीज़ है, क्या होता है ये। जैसे मान के चलिए एक्स टू दी पावर 1/2 है, आपने तो एक्स स्क्वायर बहुत सुना है, एक्स स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स टू दी पावर 2, यानी एक्स के पावर होल पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका मतलब ये होता है स्क्वायर का, यहाँ क्या है, एक्स टू दी पावर 1/2 है, 1/2 मतलब क्या होता है, हाफ, आप याद रखिए, अगर ये हाफ हो ना इधर क्या होता है, रूट में चला आता है, एक्स के ऊपर ये वाला लकीर आ जाता है। ठीक है, अगर आप पहली बार बना रहे हो तो याद रखिएगा, हाफ अगर दिए ऐसा रहे, इसको हम लिखना हो तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स के ऊपर ऐसे एक रूट दे देंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स टू दी पावर 1/2 हम कह सकते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं, यहाँ पर जो है ना आपका दो भी छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है, दो, आप लिखोगे भी तो ठीक है, नहीं लिखोगे वो भी ठीक है, यहाँ पर क्या छिपा रहता है, दो, आप लिखोगे ठीक है, ऐसे तो लिखाया नहीं जाता, समझे ना, नहीं लिखाया जाता, क्या रहता है, ये छुपा हुआ रहता है, यानी कि मिटा देते हैं, मिटा दिया ना, यानी क्या हो जाएगा, अगर दी कहीं आपको ऐसा दिखा हुआ मिले एक्स टू दी पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या करना है हमें, हाँ, रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरह से देखिए, अगर जी कहीं आपको ऐसा दिखा हुआ मिले एक्स टू दी पावर 1/3, उसको हम क्या लिखेंगे, रूट एक्स तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ तीन लिखना बहुत ज़रूरी है, इसको नहीं छोड़ना है, आप इसमें छोड़ सकते हैं, ये दो नहीं लिखिएगा चलेगा, चलेगा क्या, दौड़ेगा, यही होता ही है, ऐसे लिखाता नहीं है, एक्चुअल में वहाँ पर दो रहता है लेकिन लिखाता नहीं है, लेकिन इसमें आपको तीन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर दी एक्स टू दी पावर 1/4 है, तो अगर दी उसको हम उस पार करेंगे, उस पार मतलब क्या, इसको लिखेंगे दूसरे लैंग्वेज में, तो कैसे लिखना होगा, यहाँ पर चार देना पड़ेगा, रूट के अंदर एक्स रहेगा। ठीक है, अब इसके आधार पे कुछ उदाहरण देख लेते हैं, इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व का मतलब सॉल्यूशन, इनको आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, पहले मैं पहला तरीका लेके चलता हूँ, आपके अंदर क्या है, आपके पास 8 है, या रूट अंदर क्या है, यहाँ 3 है इसका मूल, आप रूट 8 है, यहाँ पर 8 को आप लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 तीन बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसा लिख सकते हैं। अगर यदि यहाँ 3 हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 में से एक चुनना है, क्या करना है, 3 में से एक चुनना है, 3 में से कितना चुनेंगे, एक, जैसे हम 3 में से एक चुन लेंगे ना, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये पूरा गुम हो गया, रूट टूट सब खत्म हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से आप क्या देख रहे हैं, जस्ट हम आपको बताए थे ना अभी, 3 8 को, यानी कि इस तरह, इस अगर ऐसा रूप में रहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको हल करके देखते हैं कैसे हल करते हैं, आपको पता है 8 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 तो 8 हो ही जाएगा, आ ही जाएगा, तो 2 टू दी पावर क्या हो गया, 3 हो गया, गुना 1/3 तो पहले से था, अब 3 3 क्या होगा, कट जाएगा, 1 1 बचा, कितना हो गया, 2 टू दी पावर 1,
टू टू द पावर एक का वैल्यू क्या होगा, एक ही बार ना, टू है तो एक ही लिख दिए, दो ही लिख दिए हम, एक ही बार दो को लिख दिए, ठीक है। अब देखिए जस्ट उसी तरह से दूसरा उदाहरण लेते हैं, यहाँ क्या है, चार है, यहाँ नीचे क्या है, सोलह है, इसको वैसे ही बनाएंगे। सोलह को पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड, तोड़ना है इसको, कितना बार में तोड़ेंगे इसको, दो गुना दो गुना दो गुना दो, इसको फिर गुना कीजिएगा ना, सोलह ही आएगा। तो यहाँ क्या है, चार, चार का मतलब क्या है, अब चार गो में एगो चुनेंगे, ऊपर क्या था, तीन था, यहाँ पर क्या था, तीन था ना, तो कितना में चुने थे, तीन में एक, यहाँ कितना है, चार गो है, तो चार गो में एगो चुनेंगे, कितना, दो हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो गया, दो हो गया, लगता है समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अब आगे का उदाहरण देखते हैं, जस्ट उसी तरह से सोलह टू दी पावर वन बाय फोर, सोलह को क्या लिखेंगे, चार बार लिखेंगे, सोलह आ ही जाएगा ना, अब चार बार लिखा है, इसका मतलब क्या है, टू दी पावर फोर लिख सकते हैं, और पहले से वन वन बटा फोर था, फोर फोर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा, सिर्फ टू, इसका आंसर क्या हो गया, सिर्फ टू। मैं छोटा छोटा उदाहरण लेके बता रहा हूँ जो कि आपके दिमाग में बैठा रहे, मैं उतना लंबा चौड़ा लेके नहीं जा रहा, हार्ड वो बाद में जाएंगे कभी, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको बेसिक बता रहा हूँ जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, अगर यदि आप नहीं जानते हो तो, ठीक है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं, इसमें आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ रूट सोलह दिख रहा है, दिख रहा है ना, पहले क्या करेंगे, सोलह को गुणनखंड करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था, गुणनखंड किया, कितना आ गया, दो गुना दो गुना दो गुना दो, चार बार। उसी तरह से आपको पता है कि यहाँ कुछ नहीं तो क्या छुपा हुआ रहता है, दो, इसका मतलब क्या हुआ, दो में एक चुनेंगे, दो गुना दो में एक निकाल लेंगे, ठीक है, एक दो निकाल लिए, फिर यहाँ पर कितना है, दो गुना दो, तो उससे भी एक हम निकाल लिए, तो इसका आंसर क्या हो गया, दो दूनी चार, ठीक। उसी तरह से देखिए सोलह टू द पावर क्या है, वन बाई टू है, इसको क्या लिखेंगे, आंसर सबका याद रखिएगा वही आएगा, चाहे आप इसका हल कीजिए या इसका हल कीजिए, आंसर दोनों का बेस सेम आएगा, नहीं तो देख लीजिए कैसे सेम आता है। सोलह है, सोलह को क्या लिख सकते हैं, दोनों 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 पता ही है आपको, चार बार लिखेंगे, इसके ऊपर क्या हो जाएगा, टू टू दी पावर फोर, क्योंकि चार चार बार दो गुना में है, दो दूनी चार, दो आ गया, यानी क्या बचा, टू टू दी पावर टू बचा, यानी टू टू दी पावर टू का मतलब क्या होता है, दो को दो बार लिखेंगे, दो गुना दो, इसका मतलब क्या, दो दूनी चार, क्या हो गया, दोनों का वैल्यू एक ही आएगा, चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, वैल्यू वही आना है, ठीक है। चलिए हम इसे भी जानने की कोशिश करते हैं, इसको इम्पोर्टेंट नहीं कहा जाए, इसको महा इम्पोर्टेंट कहा जाए, बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यह यूज होता है चीज़ें, ऐसा है ना, बहुत यूज होता है, इसलिए मैं स्पेशली आपको बताने जा रहा हूँ और थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर यदि कोई समीकरण ऐसा हो, कैसा हो, एक्स स्क्वायर बराबर वाई हो, और हमको किसी कारणवश दो को उस पार करना हो, तो कैसे करेंगे, इसके पहले भी मैं बता रखा हूँ लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ अगर दो है तो उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा, क्यों, ये मैंने पहले भी बता रखा है, फिर आज मैं बता देता हूँ क्यों, देख लीजिए क्यों होता है आखिर। एक्स टू द पावर स्क्वायर था बराबर वाई था, यहाँ पर वन बाई टू से गुना कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वन बाई टू से गुना कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर है आपका, गुना वन बाई टू से कर सकते हैं, बराबर वाई पर पे पावर वन बाई टू से गुना कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता रखा हूँ, जो भी करना है हम दोनों को दोनों पार कर सकते हैं, और एक ही चीज़ से करना है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर वन बाई टू से किए और इधर वन बाई थ्री से कर दिए, वैसा नहीं करना है, दोनों बराबर हो, चाहे पावर वाला करो या घटाओ या भगाओ कुछ करो, लेकिन दोनों साइड करना है, वही चीज़ करना है जो पहली साइड किए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू टू खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, एक्स, और इधर क्या बचेगा, वन बाय टू, यानी एक्स टू एक्स बराबर वाई टू दी पावर वन बाय टू, याद रखिए वन बाय टू ऊपर में है, नीचे नहीं, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये समझ लिया होगा कि एक्स बराबर वाई टू दी पावर वन बाय टू कैसे होता है, आपको पता है अगर दी वाई टू दी पावर वन बाय टू हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, रूट वाई भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ दो छिपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पर लिखना नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखना है, लेकिन छिपा हुआ रहता है, इतना सा याद रखना है। अब आप सोच रहे हैं प्लस माइनस क्या दे रखा है, बड़ा कन्फ्यूजन है, इसका भी कुछ मतलब है, अब इसका क्या मतलब है, ये अगर जानना चाहते हैं तो बता ही देते हैं हम। मान के चलिए माइनस दो के पावर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता है, माइनस दो गुना माइनस दो कितना हो जाएगा,
प्लस चार, फिर दो पर पावर स्क्वायर कीजिए, इसका भी वैल्यू क्या होगा, दो गुना दो चार ही आएगा, प्लस चार ही आएगा, दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस चार। आपको ये बात याद रखना है, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आखिर कैसे होता है। अब उसी तरह से मान के चलिए चार के ऊपर क्या रख देंगे हम, 1/2, इसका वैल्यू -2 कैसे होगा और +2 भी होगा, कैसे होगा मैं आपको बताया था, -2 के ऊपर स्क्वायर कीजिएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, +4 आएगा ना, फिर 2 के ऊपर स्क्वायर भी कीजिएगा तो क्या आएगा इसका वैल्यू, +4, इसलिए हम यहाँ -2 +2 दो वैल्यू आता है, हमको ज़रूरत के हिसाब से जो ज़रूरत पड़ता है जिस चीज़ का हम उसका यूज करते हैं। इसलिए याद रखिएगा, किसी का अगर यदि 1/2 निकालेंगे यानी 4 के पावर का 1/2 निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, -2 भी आएगा +2 भी आएगा, इसलिए हम क्या लिखे थे उस टाइम, -+2 ऐसे लिखे थे, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर उसी तरह से एक और उदाहरण देख लें आप, x^3 बराबर y जैसा कोई समीकरण हो तो क्या करना है, अगर यदि आपको पता ही पता चली गया, इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, मैं पीछे बता रखा हूँ ना, दोनों तरफ क्या किए, 1/3 से गुना कर दिए, 3/3 क्या हो गया इसका, ख़त्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर, y^1/3, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, या फिर इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी x बराबर क्या हो गया, y^1/3। चलिए कुछ छूट रहा है बेसिक का, जो कि मैं तुम आपको बताने जा रहा हूँ लास्ट में, ये लास्ट बेसिक क्लास नहीं कह सकते आप, लास्ट ही मान लीजिए, जो भी मानिए आप, इसके आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लें इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से। मान के चलिए रूट के अंदर 8 है, इसको कैसे हल करेंगे, मैं आपको क्या बताया था, पहले इसका गुणनखंड करेंगे, 2 × 2 × 2, ठीक है, इसमें कितना, 3 × 2 आ गया, हमको 2 में से एक चुनना है, कितना में से, 2 में एक चुनना है, मान के चलिए 2 में 1 हम चुन लिए, क्या किए, 2 में 1 चुन लिए, इस दोनों में 1 हम निकाल लिए, तो फिर क्या बच गया मेरा, ये दो तो बची, बचा रह गया, तो बचा रहने देते हैं, तो 2√2 इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, ठीक है। मान के चलिए √27 है, इसको कैसे हल करेंगे, √27 का मतलब, इस 27 का गुणनखंड क्या होगा, 3 × 3 × 3, यानी हमको क्या करना है, इसमें से 2 में से 1 निकालना है, पता है आपको, 1 तो निकल गया, 1 तो नहीं निकलेगा तो वो अंदर ही रह जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3√3। तो चलिए मैं आज फिर से आपको मैं एक बार याद दिला दूं कि ये फॉर्मूला जो मैं आपके लिए बनाया हूँ, ये फॉर्मूला आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, मौखिक, जैसे कोई पूछे तैसे जवाब दें, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको मौखिक याद भी रखेंगे, जो कि आपको आगे सवाल बनाने में दिक्कत ना हो, इसको प्यूज करके अच्छी तरह से उतार लें, आराम से इसको बैठ के याद कर लें, मैं इसको तो समझा भी रखा हूँ कैसे फॉर्मूला आता है, ठीक है, ओके, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।